जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, बिजली का बिल 61,000, युवक ने सुसाइड किया, पत्नी बोली कर्मचारियों ने धमकी दे डाली कि जेल भिजवा देंगे, सड़ जाओगे, अब बेटे को कैसे पालूंगी। दोस्तों आपको बता दें, शाहजहांपुर में एक युवक को 61,000 रुपए का बिजली का बिल थमा दिया गया। बिल देखने के बाद युवक ने जहर खा करके अपनी जान दे दी। पत्नी का ये आरोप है कि बिजली विभाग से आए लोगों ने पति को धमकाया, कहा कि अगर बिल समय पर नहीं दिया तो जेल भिजवा देंगे, तुम जेल में ही सड़ जाओगे। इसके बाद पति ने इस काम को अंजाम दे दिया। पत्नी ने कहा है कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर अब मैं कहाँ जाऊंगी, इनका पालन पोषण कैसे करूंगी। मेरे पति की मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने उनको धमकी दी थी। दोस्तों ये पूरा मामला जिले के सिंघोली थाना क्षेत्र के महू दुर्गा गांव का है। यहां गुरुवार को अवनीश कुमार, जो 30 वर्ष का था, उसने आत्महत्या कर दी। अवनीश कुमार मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अवनीश के दो छोटे बेटे हैं। अवनीश कुमार के घर पर लगा मीटर उनके चाचा रामचंद के नाम पर था। दोस्तों आपको बता दें, गुरुवार को दोनों बेटों के साथ पत्नी पूनम पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। उन्होंने रोते हुए कहा है कि बुधवार रात को लाइट वाले आए थे, उन्होंने पति से कहा कि 61,000 रुपए का बिल है, इसे जल्द से जल्द जमा कर दो, नहीं तो जेल भेज दिए जाओगे। इसके बाद पति ने उनसे कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, इतने रुपए कहां से लेंगे। इस पर लाइट वालों ने कहा कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, तुम जेल में सड़ जाओगे, पैसे जमा कर देना। इसके बाद रात भर पति टेंशन में रहे, उन्होंने खाना तक नहीं खाया, सुबह उठकर उन्होंने जहर पी लिया। पत्नी ने कहा है कि इसके बाद गांव वालों की मदद से हम पति को CHC ले गए, यहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां इलाज को कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। हमारे पास खेती करने की जमीन नहीं है, ऐसे में बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे करूंगी, ऐसे में हमारी मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए। दोस्तों इस मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिंघोली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर के सुसाइड कर दिया है, ऐसी जानकारी हमें चौकी से मिली है। अभी तक परिवार की तरफ से तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दी पुआवा आदिवासी अभियंता राजकुमार कुर्मी ने बताया कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं, वैसे इस समय ज्यादा बिल के लिए OTS स्कीम चल रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बिजली का बिल निकालने वाला कर्मचारी किसी को धमका रहा हो, मामले में शिकायत मिलेगी तो जांच कार्रवाई की जाएगी।